ये क्या है भाई? What is Project K? Oh, परफास लुक। Assalamualaikum। Hello everyone, Nuvela और Namu एपिटी रुक रहे हो मेरे दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मिलकर हम खेलेंगे उनका सबस्तों के शाब शाश होंगे। तो गाइस आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदी कहते हैं और आपका स्वागत करते हैं अपनी आज की नई वीडियो में। तो फाइनली जो प्रोजेक्ट के चल रहा था, काफ़ी देर से डिस्कशन में था प्रभास की अगला प्रोजेक्ट जो था प्रोजेक्ट के, इसका नाम चल रहा था। अभी तक इसका टाइटल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली उसका टाइटल अनाउंसमेंट भी हम अब देखने वाले हैं आपके साथ। इसका नाम है जी कल्कि 2898 AD। तो ये अब क्या है, ये कल्कि का अवतार मैंने किसी मूवी में शायद ये नाम सुना भी था, शायद ये वही चीज़ होने वाली। तो हम देखते हैं ये क्या है बेसिकली जी। हमें अब इस मूवी में नज़र आने वाले हैं प्रभास, साथ अमिताभ बच्चन, साथ कमल हसन और साथ दीपिका पादुकोण। बिग कास्ट, बिग स्टारर कास्ट और हैवी कास्ट। और अब देखते हैं कि जी हमें क्या मिलता है इस ग्लिम्स में। बहुत सी चीज़ें इसके सराउंडिंग्स में हैं, बहुत सी ज़्यादा ह्यूमर हैं इसको लेकर। अभी रिसेंटली प्रभास का पोस्टर भी रिवील हुआ है, दीपिका पादुकोण का भी पोस्टर रिलीज हुआ है प्रोजेक्ट के से रिलेटेड, लेकिन अब उसका नाम भी हम सुन चुके हैं। आदिपुर से कंपेयर करेंगे उस लेवल की फिल्म है। हाँ, आदिपुर से इसका VFX वर्क बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इसके पोस्टर को देखें, क्योंकि पोस्टर उन्होंने इसका चेंज भी किया है। पहले एक पोस्टर उन्होंने रिलीज़ किया था प्रभास का, लेकिन उसको डिलीट करके फिर दोबारा उसको फिर रिलीज़ किया। तो अब देखते हैं कि हमें क्लिप्स में क्या देखने को मिलता है। तो फिर हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जाते हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। तो आज वीडियो पे हियर वी गो, 3, 2, 1 आ देखें जरा। ओके, ओ सिख था अमिताभ बच्चन था। World. Science fiction. Deepika ki na. Force will rise. Arre bhai. Arre. Hey, goosebumps. क्या है भाई? What is Project K? Oh, परफास लुक एट हिज चार्म यार, कितना ग्रेसफुल लग रहा है। ओ हो हो हो, अरे ओ 2024। ओ भाई ये क्या था यार, अभी बाहुबली प्रभास वापस आ गए। मैं कह रहा हाँ, प्रभास के एक्सप्रेशंस देख के लग रहा था और बॉडी लैंग्वेज उनके देख के लग रहा था कि भाई इस मूवी में जान डलने वाली है और एक साइंस फिक्शन फिल्म देखने वाले हैं हम काफी देर के बाद। इसमें मैं हैवी स्टार कास्ट और VFX बहुत कमाल, बहुत कमाल का VFX मुझे तो भाई नजर आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आदिपुरुष के VFX को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा इंप्रूव्ड और काफी ज्यादा एक कह लो के अच्छा VFX नजर आया। और भाई इसमें हमने स्टार्ट में ही ग्लिम्स के देखा अमिताभ बच्चन जो लेटे होते हैं, वो शायद पता नहीं वो मरे होते हैं क्या चीज़ है वो, भाई मुझे तो पहले पता ही नहीं लगा ये है क्या, मुझे पहले लगा कोई सिख है। लेकिन भाई वो जिस तरह से स्टार्ट लिया है और भाई जिस तरह की वो चीज़ें साथ साथ दिखा रहे थे कि ये मुझे लगता है कि ये फ्यूचर से रिलेटेड है। और ये अंग्रेज़ पूछ रहा है व्हाट इज प्रोजेक्ट के, व्हाट इज प्रोजेक्ट के। तो अब वो अब इसका मूवी का नाम प्रोजेक्ट, अब ये शायद मूवी में इसका जो टॉपिक होगा प्रोजेक्ट के होगा, क्योंकि कल्कि से के, कल्कि का के और साथ प्रोजेक्ट के, तो ये हम चीज़ देखने को मिल सकती है। और साथ में बात करता हूँ कि मुझे लगता है कि फ्यूचर से रिलेटेड है ये 2898 जो है, क्योंकि अभी तो 2023 चल रहा है ना मूवी, 2024 है। हाँ, क्योंकि अब ये मुझे फ्यूचर की लग रही है, फ्यूचर से रिलेटेड है, साइंस फिक्शन मूवी है ये तो हमें पता लग चुका है। और भाई इसके साथ फिर प्रभास की जो लुक कैस ने बिल्कुल, और भाई कमाल, मुझे काफी देर के बाद प्रभास को देखकर इतनी खुशी है, क्योंकि जो बाहुबली वाली वाइब्स आ रही थी प्रभास को देखकर, एंड पे लुक जो को सीन दिखाया बिल्कुल वही लुक है बाहुबली वाला, बाहुबली वाला लुक है। तो भाई मजा आ गया देख के, ग्लिम्स था ये तो अभी, तो खैर अभी तो पीछे हम ये सलार का टीजर देखकर आ ही रहे थे, अभी रस्ते में ही थे और प्रोजेक्ट के का ग्लिम्स आ गया। तो अभी तो खैर अभी सलार चल रही है, अभी सलार का टीजर आया था, अभी तो हम सलार को लेकर चलेंगे। लेकिन अभी इसका उन्होंने कहले के अनाउंसमेंट दे दी है मूवी की, क्योंकि काफी ज्यादा जो एक हाइप बनी हुई थी वो उस हाइप को डबल कर दिया इस अनाउंसमेंट।
करने और देखने वाला होने वाला, क्योंकि प्रभास भाई छा रहे हैं आदि पुरुष से लेकर आदि पुरुष के बाद अब आ रही उनकी सलार, सलार के फौरी बाद आएगी प्रोजेक्ट के और प्रभास, प्रभास तो मुझे उम्मीद है सलार से लेकर ये प्रोजेक्ट के में प्रभास हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मेरी ये कह लेंगे वाइब्स आ रही हैं, मेरी वो सिक्स सेंस कह रही है कि प्रभास हमें फिर से वो चीज़ देखने को मिलेगी जो उनके फैंस हैं, प्रभास अन्ना के जो फैंस हैं, डाई हार्ड फैंस हैं उनके, जो उनका स्टारडम है वो बिल्कुल इस चीज़ का वेट कर रहा है, उनके कम बैक का वेट कर रहे हैं, जैसे हम काफ़ी देर से सल्लू भाई के कम बैक का वेट कर रहे हैं, इसी तरह से जो प्रभास के फैंस हैं वो भी उनके कम बैक का वेट कर रहे हैं। तो फिर देखते हैं क्या बनता है। ये था जी हमारा आज का रिएक्शन प्रोजेक्ट के ग्लिम्स पे। उम्मीद करता हूं हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दे हमें इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आ देखें जरा।